नमस्ते साथियों, आइए इस कालखंड में इस वीडियो में हम जानते हैं अपने विद्यालय अर्थात किसी भी संस्था के लिए क्रय की प्रक्रिया क्या होती है। आपको ज्ञात है हमारे विद्यालय में SMC अर्थात स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का एक खाता होता है और जिसमें राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा राशि प्रेषित की जाती है और हम लोग अपने विद्यालयों के लिए जो आवश्यक सामग्री है उनका क्रय करते हैं। तो क्रय करने की प्रक्रिया क्या है इस संदर्भ में इस वीडियो में इस कालखंड में जानते हैं। देखिएगा, मेरे पास में एक दिशा निर्देश है राज्य शिक्षा केंद्र का और यह दिशा निर्देश जुलाई 2019 का है और इसमें क्रय की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। और साथियों, इसी क्रय प्रक्रिया में से कुछ महत्व बिंदुओं को लेकर मैंने इस व्हाइट बोर्ड में अंकित किया है और यहीं से हम एक एक बिंदु पर चर्चा करते हुए खरीदी प्रक्रिया को समझते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला बिंदु यह है कि मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियमों के अनुसार खरीदी। जब भी हमको क्रय करना है कोई सामग्री तो मध्य प्रदेश के जो भंडार क्रय नियम है उसके आधार पर खरीदी करना चाहिए। साथियों, ये जो मध्य प्रदेश भंडार क्रय का जो नियमावली है वो थोड़ी लंबी है, ठीक है, उसके बारे में किसी अन्य कालखंड में बताने का प्रयास करेंगे और पूर्व के कुछ वीडियो में मैंने इस संबंध में आपको जानकारी भी दी है, ठीक है। तो देखिएगा, इसके संदर्भ में मैंने जानकारी अंकित करके रखी है कि प्राथमिकता एवं आवश्यकता के आधार पर मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए क्रय किया जावे। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मद के लिए खर्च किया ही जाना है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको अभी पढ़कर बताया और जैसा कि यहां अंकित मैंने किया है, हमको जिस चीज की आवश्यकता है और सबसे पहली प्राथमिकता है, ठीक है, उस प्राथमिक वाली वस्तु को सबसे पहले क्रय करना चाहिए। देखिएगा, आवश्यकता तो होती बहुत सारी चीजों की है किंतु प्राथमिक आवश्यकता यानी पहली आवश्यकता किन वस्तुओं की है, किन सामग्रियों की है कि उनके बगैर हमें विद्यालय हमारे विद्यालय में कार्य नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए हम अगर चाक की बात करें, अगर चाक है ही नहीं तो सबसे पहली प्राथमिकता में चाक आएगी, ठीक है, यानी चाक पेटी या चाक के डिब्बे ही आएगा, है ना। तो जो प्राथमिकता वाली वस्तुएं हैं, ठीक है, जिनकी आवश्यकता है वो तो आवश्यकता वाली वस्तु बहुत सारी है किंतु सबसे पहले प्राथमिकता वाली जो वस्तुएं उनको पहले हमको प्राथमिकता देनी होगी तो उनको क्रय करना है। और उनको क्रय करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि मध्य प्रदेश भंडार के जो क्रय नियम है उनका पालन करते हुए क्रय करना होगा। और आगे जो मैंने अंकित किया है कि यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक मद में खर्च ही किया जाए। साथियों, अलग अलग मदों के लिए अलग अलग राशियां आती हैं, कई बार हमको सभी मदों में खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मद के लिए यानी हर कार्य के लिए खर्च ही किया जाए। हो सकता है किसी विद्यालय में किसी दूसरे मद में खर्च करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए कोई चीज का निर्माण कार्य करना है, किसी चीज की मरम्मत करना है, ठीक है, एक विद्यालय में ऐसा हो सकता है, दूसरे विद्यालय में हो सकता है ये ना हो क्योंकि वहां सब कुछ पहले से तैयार हो, उनकी अन्य कोई दूसरी आवश्यकताएं होती हैं। तो ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक कार्य के लिए हर विद्यालय में एक समान खर्च किया जाए, ठीक है, सबकी अलग अलग प्राथमिकताएं अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, उसके आधार पर ही क्रय या खर्च किया जाए। अगला बिंदु क्या है, देखिएगा, SMC की बैठक के निर्णय अनुसार क्रय करना। साथियों, जैसा कि आपको इस बारे में पूर्व के वीडियो में मैंने जानकारी दी है और आप जानते भी हैं कि SMC की बैठक में ही हम निर्णय करते हैं, ये तय करते हैं कि हमको क्या खरीदना है, कौन सी सामग्री खरीदना है, ठीक है। तो इसके बारे में जो जानकारी मैंने अंकित करके रखी है उसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 के नियमानुसार SMC की बैठक आयोजित कर वास्तविक आवश्यकता का आकलन किया जावे। साथियों, सबसे पहली बात यह है कि जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो बना है 2009 में और 2011 में, तो इन नियमों के अनुसार हमको SMC की बैठक आयोजित करना है और आयोजित करने के पश्चात जो SMC के सचिव हैं अर्थात प्रधान पाठक हैं या जो भी प्रभारी हैं वो विद्यालय में कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता है उनके सामने रखेंगे, उनको बताएंगे कि भाई इन चीजों की हमको आवश्यकता है और हमारे
जो एसएमसी खाते में इतनी राशि है ना, तो ये सारी वास्तविकताओं से अवगत कराएंगे, किन वस्तुओं की आवश्यकता है उसके बारे में बताएंगे और पूरा आकलन लगा लेंगे कि हमें विद्यालय में अमुक अमुक वस्तुओं की आवश्यकता है। ठीक है, इसके पश्चात बैठक में ही आवश्यकता अनुसार क्या क्या कार्य या सामग्री क्रय किया जाना है और इनको औचित्य के आधार पर निर्णय लिया जाए। देखिएगा, जब सारी बातों को तय हो गया कि भी हमको इन इन वस्तुओं की आवश्यकता है, ठीक है, तो इसी तरह से बैठक में हम जो जो कौन कौन से कार्य हैं उन कार्यों की सूची, सामग्री क्रय किया जाना है उसके बारे में हम एक सूची तैयार कर लेंगे और फिर औचित्य के आधार पर अर्थात कि वाकई उनका क्या औचित्य है, कितनी उनकी आवश्यकता है, ठीक है, उनकी उपयोगिता क्या है, उसके आधार पर इस बात का निर्णय लिया जाना है कि इनको क्या करना है या नहीं करना है। फिर आगे है, लिए गए निर्णय को शाला प्रबंधन समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण में दर्ज किया जाकर उपस्थित सदस्यों को पढ़कर सुनाते हुए उनके हस्ताक्षर लिए जावे। जब तय हो जाएगा कि भाई अमुक अमुक वस्तुएं हमको क्रय करना है और इस मत से क्रय करना है, यहां पर इतनी राशि है, इन सब सारी बातों का जब निर्णय हो जाएगा उसके पश्चात लिए गए जो निर्णय है वो शाला प्रबंधन समिति अर्थात एसएमसी की बैठक का जो रजिस्टर होता है, यानी कार्रवाई विवरण जो रजिस्टर होता है उसमें दर्ज कर लेंगे और दर्ज करने के पश्चात सारे उपस्थित सदस्यों के सामने उनको एक बार पुनः पढ़कर सुनाएंगे और पढ़कर सुनाने के पश्चात सभी लोगों के फिर हस्ताक्षर ले लेंगे। इतना करने के पश्चात यह पारित हो जाएगा आपका प्रस्ताव कि आपको विद्यालय के लिए कौन कौन सी सामग्रियों का क्रय करना है। ठीक है, तो ये दूसरा बिंदु हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे बिंदु की कि क्रय सामग्री का सत्यापन। ठीक है, अब क्रय सामग्री का सत्यापन करना है तो देखिएगा, इसके संदर्भ में मैंने जो आवश्यक जानकारी लिखकर रखा है कि सामग्री क्रय करने के पश्चात एसएमसी कार्यकारिणी के सदस्यों को बुलाकर सामग्री का क्रयादेश के अनुसार सत्यापन करा ले। मैंने जैसा कि आपको पढ़कर बताया कि भैया हमने सामग्री को क्रय कर लिया, इसके पश्चात जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है अर्थात शाला प्रबंधन समिति, इसकी जो कार्यकारिणी होती है, कार्यकारिणी के सदस्यों को हम बुलाएंगे पुनः स्कूल में और सामग्री का जो क्रय आदेश है, क्रय आदेश मतलब जैसा कि हमने दुकानदार को जिस प्रकार की सामग्री, जिस क्वालिटी की सामग्री चाहिए, इस प्रकार का जब हमने जो उनको आदेश दिया है उसी को हम क्रय आदेश कहते हैं, क्रय का आदेश, उसके अनुसार सत्यापन कर ले कि भैया हमने जो बैठक में तय किया था कि इस क्वालिटी की और इस प्रकार की हमको वस्तु चाहिए। उदाहरण के लिए आपने चेयर खरीदा, चेयर मान लो आपको प्लास्टिक की खरीदना है तो प्लास्टिक के चेयर अलग अलग ब्रांडेड भी कंपनी की आती हैं और लोकल भी आती हैं। भाई हमने कोई अच्छी कंपनी की मान लो चेयर का ऑर्डर दिया, क्रय आदेश दिया उसको दुकानदार को, किंतु उसने लोकल क्वालिटी की जो चेयर है अगर विद्यालय में भेज दिया तब भाई उसका सत्यापन करके देखेंगे, और यदि लोकल क्वालिटी की उनने चेयर भेज दिया है तो फिर एसएमसी उसको वापस करेगी उस सामान को और जो क्रय आदेश है उसके अनुसार सामग्री प्राप्त करेगी। तो वही बात यहां पर हमने अंकित किया है कि क्रय आदेश के अनुसार सत्यापन करा ले। कौन कराएगा? ये सचिव अर्थात एसएमसी का जो सचिव होगा, पदेन सचिव जिसे कि हम, जो कि प्रधान पाठक होता है। ठीक है, इसके बाद शाला प्रबंध समिति के सचिव अर्थात प्रधान पाठक के द्वारा उक्त सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करा लिया जावे। ठीक है, जब सत्यापन हो जाए इसके पश्चात उस सामग्री को विद्यालय का स्टॉक रजिस्टर होता है, ठीक है, भंडार पंजी होती है, उस भंडार पंजी में अर्थात अंग्रेजी में कहें तो स्टॉक रजिस्टर में उस सामग्री को अंकित कर लेंगे कि ये सामग्री है और इतनी संख्या में है, इसकी तादाद में है। ठीक है, यदि दुकानदार के द्वारा प्रदाय सामग्री एसएमसी के सत्यापन के दौरान क्रय आदेश के अनुसार नहीं पाई गई तो इसे दुकानदार को लौटाते हुए आदेश के अनुसार सामग्री प्राप्त करे। साथियों, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि सामग्री यदि क्रय आदेश के अनुसार, जैसा कि एसएमसी के द्वारा निर्णय लिया गया था और दुकानदार को लिखित में बताया गया था कि हमको इस क्वालिटी की सामग्री चाहिए, उसके आधार पर यदि नहीं भेजता दुकानदार या नहीं प्रदान करता है तब उस दुकानदार को उस सामग्री को वापस कराकर क्रय आदेश के अनुसार, जैसा कि पूर्व में कहा गया था, उस आधार पर सामग्री प्राप्त कर लेंगे। आगे यह है कि दुकानदार को भुगतान
के पश्चात एसएमसी सचिव अर्थात प्रधान पाठक रसीद अर्थात बिल प्राप्त कर बाउचर फाइल में लगाकर उस बिल के पेड एंड कैंसल की मुहर लगाकर निरस्त कर देवे। देखिएगा जब सामग्री हमारे पास में जैसा कि क्रय आदेश दिया गया था, जैसे कि डिमांड की गई थी कि हमको इस प्रकार की सामग्री चाहिए और उसी प्रकार की सामग्री दुकानदार ने प्रेषित किया, इसके पश्चात दुकानदार को हम भुगतान कर देंगे और भुगतान करने के पश्चात जो एसएमसी सचिव अर्थात स्कूल के प्रधान पाठक है वो उससे बिल प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। और बिल कौन सा वाला होना चाहिए इसके बारे में पूर्व के वीडियो में मैंने जानकारी आपको प्रदान की है कि बिल किस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बिल क्या है, 10 नंबर वाला होना चाहिए, है ना, और जो दुकान है वो लगभग पंजीकृत होना चाहिए। इस प्रकार से जो बिल है वो वैलिड बिल कहलाता है। तो बिल को प्राप्त करके उसको फिर जो विद्यालय में वाउचर फाइल होती है उस वाउचर फाइल में उसको चस्पा कर देंगे और उसमें जो सील है पेड एंड कैंसल, है ना, ये इसकी सील लगा लेंगे या पास फॉर पेमेंट और बहुत सारी जो सील होती हैं किसी एक बाउचर में लगाने के लिए उसको लगा करके प्रधान पाठक और अध्यक्ष के सील लगा करके साइन करके उसको निरस्त कर देंगे। तो साथियों इस तरह से इस क्रय प्रक्रिया का पालन करते हुए हमको अपने विद्यालय या संस्था के लिए सामग्री का क्रय करना चाहिए। आशा करता हूं साथियों यह जानकारी आप लोगों को काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में पुनः किसी नए प्रकरण नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।